गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो दिल्ली आईटीएटी का है। केस का नाम है मॉर्गन वेंचर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 15 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 24 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इतना बढ़िया लॉ का पॉइंट दिल्ली आईटीएटी ने इसके अंदर डिसाइड किया। एक जनरल रूल क्या है कि यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट का टाइम यदि बाकी है कि डिपार्टमेंट अभी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो असेसमेंट करता है उसका टाइम अभी बाकी है, तो डिपार्टमेंट जो है वो 148 के अंदर नोटिस भेज करके आपकी असेसमेंट नहीं कर सकता। ये जनरल एक रूल है। और इस केस के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि हमने देखा है कि जब भी हम डिपार्टमेंट को 154 की एप्लीकेशन लगाते हैं तो डिपार्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि किसी को 154 ने किसी की एप्लीकेशन लगाई और डिपार्टमेंट ने सू मोटो उसका रिप्लाई दिया हो। सीपीसी के अंदर तो ठीक है कि वो ऑनलाइन सिस्टम है, वहां पे हम 154 की एप्लीकेशन लगाते हैं तो रिप्लाई आ जाता है, लेकिन वहां से भी एक बिल्कुल मैकेनिकल रिप्लाई आते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट भी 154 करता है और 154 करने के बाद अपना ऑर्डर पास कर देता है और हमारी कुछ एडिशंस जो है वो 154 के अंदर कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि डिपार्टमेंट 154 को लेकर के बहुत सुस्त है। ऐसा ही इस केस में हुआ कि डिपार्टमेंट ने एक 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट पूरी करी। असेसमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट को यह लगा कि डिपार्टमेंट से कुछ कमी रह गई है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, और इन्होंने 154 का एक नोटिस इशू किया और ये कहा कि दो आइटम ऐसे थे जिसके अंदर नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर तो असेसी ने एडिशन कर दिया था, उसको एडबैक कर दिया था, लेकिन मैट के प्रोविजंस के अंदर असेसी ने उसको एडबैक नहीं किया था। तो डिपार्टमेंट ने 154 का एक नोटिस भेजा और ये कहा कि हम आपकी ये दो एडिशंस करने जा रहे हैं, आप अपना जवाब दे दीजिए। एसएससी ने 154 का जो नोटिस आया था उसके अंगेंस्ट जो है वो जवाब दे दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। अभी जब डिपार्टमेंट ने सेक्शन 154 का नोटिस भेजा था तो डिपार्टमेंट को कोई एक ऑडिट क्वेरी लग के आई थी जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने 154 का नोटिस भेज दिया था। यहां पे मैं जिस मैटर पे 154 हुआ उसकी इंटीग्रिटी में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दो आइटम्स थे, एक तो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि साहब आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को नॉर्मल प्रोविजंस में ऐड बैक कर दिया, आपने मैट में नहीं किया। दूसरा ये था कि 14A के अंदर कोई एडिशन है वो आपने नॉर्मल प्रोविजंस में कर दिया लेकिन मैट में नहीं करी। तो असेसी ने इस बात का जवाब भी अपने 154 में दे दिया था कि साहब आप अपनी मेरी असेसमेंट कर चुके हो और वहां पे ये मैटर जो है वो इलेबोरेटली डिस्कस हो चुका है तो अब इसकी जरूरत नहीं है। और असेसी ने मेरिट पे भी अपना 154 के अंदर अपना रिप्लाई दे दिया था लेकिन डिपार्टमेंट ने 154 की का ऑर्डर पास नहीं किया। लेकिन इन द मेन टाइम डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेम ऑडिट क्वेरी पर जो कि 154 का सब्जेक्ट मैटर था उस पे 148 कर दिया एसएससी का। एसएससी ने 148 का असेसमेंट भी कराया लेकिन डिपार्टमेंट ने 148 के अंदर वो दोनों मैटर ऐड कर दिए और एसएससी की टैक्स लाइबिलिटी बना दी। एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया, सीआईटी अपील एज यूजुअल जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको रेप्लिकेट करके सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास कर दिया। असेसी जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो आईटीआईटी गया और आईटीआईटी ने इस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर असेसी के फेवर में कर दिया। आईटीआईटी का ये कहना था कि जब आपने 154 कर दिया और असेसी ने अपना रिप्लाई जो है वो 154 के नोटिस के रिप्लाई में सबमिट कर दिया और आपने अभी उसका ऑर्डर पास नहीं किया, तो 154 भी एक तरीके का असेसमेंट है और यदि एक असेसमेंट पेंडिंग है तो आप उसकी दोबारा 148 में रीअसेसमेंट नहीं कर सकते। और इस बात पर आईटीएटी ने जो 148 के अंदर एडिशन की गई थी उसको डिलीट कर दिया और ये कहा अपने ऑर्डर में कि हम इसको मेरिट पे डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड पर एसएससी का केस बनता है। जब आपने 154 की असेसमेंट पेंडिंग है
तो आप उसका 148 नहीं कर सकते और 148 का ऑर्डर जो है वो कैश कर दिया। आईटीआईटी ने ये भी कहा कि जो 154 का आप ऑर्डर पास करते हैं उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है, उसके अगेंस्ट भी रिवीजन में जा सकता है। तो जिस तरीके से 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट जब तक ना हो जाए या उसका टाइम पीरियड बाकी हो जब तक आप उसका 148 नहीं कर सकते, इसी तरीके से यदि किसी का 154 आपने नोटिस इशू कर दिया, एसएससी ने रिप्लाई दे दिया और आपने ऑर्डर पास नहीं किया, तो जब तक आपने ऑर्डर पास नहीं किया जब तक आप 148 का नोटिस इसको इशू नहीं कर सकते। और इस बात को कह करके आईटीआईटी ने जो एसएससी थी उसकी अपील जो है वो अलाउ करी और ऑर्डर जो है वो एसएससी के फेवर में किया। फ्रेंड्स, यहां पे डिपार्टमेंट को खाली केस इसलिए लूज करना पड़ा कि डिपार्टमेंट के सुस्त रवैये की वजह से, क्योंकि देखते ही नहीं है। 154 का नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद एसएससी ने रिप्लाई दे दिया, वो फाइल में बंद पड़ा हुआ है और दोबारा ऑडिट क्वेरी आ गई और उस ऑडिट क्वेरी पे दोबारा 148 कर दिया। तो कई बार अपनी सुस्त रवैया भी डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा नसूर साबित हो जाता है डिपार्टमेंट के लिए। ये केस जो है वो इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद सेक्शन 148 नोटिसेस। एक बार फिर मैं वीडियो के एंड में केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मॉर्गन वेंचर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 15 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 24 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माय दिस वीडियो आई अपील टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू विश टू रिसीव द फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ माय कमिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।